किसान गेहूं, धान, गन्ना की फसल के अलावा मक्का की भी खूब खेती करते हैं और इससे उनको अच्छा मुनाफा भी मिलता है, क्योंकि मक्के के दाने में प्रोटीन, तेल, कार्बोहाइड्रेट और कच्चा फाइबर होता है। हालांकि मक्का की कई वैरायटियां ऐसी होती हैं जो किसानों को हाथों हाथ कमाई भी देती हैं। इसी में से एक वैरायटी है भुट्टा या फिर कॉर्न, और इन वैरायटियों के सही समय पर तुड़ाई और पैकिंग करके इन्हें दूर दूर तक भेजा जाता है। इसीलिए भुट्टों की तुड़ाई कब करनी चाहिए, आज के सलाह मशवरा के एपिसोड में जानिए कि किसान भुट्टों की तुड़ाई करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें। भुट्टे की कटाई सुबह या फिर शाम के समय ही करें। हरा भुट्टा तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे को चारे के रूप में इस्तेमाल करें। बता दें कि बेबी कॉर्न के भुट्टे की कटाई तब करनी चाहिए जब 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क दिखाई देने लगे, और क्रॉस सकर मक्का में 3 से 4 बार कटाई जरूरी होती है। बता दें कि भुट्टा तोड़ते समय उसके ऊपर की पत्तियां नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि पत्तियों को हटाने से वो जल्दी खराब हो जाती हैं। खरीफ के सीजन में रोज और रबी के सीजन में एक दिन छोड़ के भुट्टों की तुड़ाई करनी चाहिए। मकई के भुट्टों को कटाई के तुरंत बाद प्रोसेसिंग यूनिट या फिर बाजार में पहुँचा दें, उन्हें ढेर करके ना रखें। मकई के भुट्टों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय बर्फ की मदद से ठंडा रखें। इन बातों को अपनाकर किसान मक्का की फसल में ज़्यादा मुनाफा उठा सकते हैं। बता दें कि भारत मक्का उत्पादन में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद 5वें स्थान पर है और कुल मक्का उत्पादन में 3% का योगदान देता है। मक्का उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अनाज, चारा, हरा मक्का, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न के लिए है। इसीलिए सही उत्पादन के लिए सही उपज और फसलों की सही कटाई बहुत ज़रूरी होती है। दरअसल मक्के की खेती में सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत होती है, और खरीफ सीजन में तो मक्का बारिश के पानी से ही सिंचित हो जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, और ख़ास बात यह है कि किसान मक्का की फसल को दुधारू मवेशियों के लिए पौष्टिक हरे चारे के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी यह सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।